हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों, यहाँ पर पीटीटी की तरफ से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर अपडेट जो निकल के आ रही है उसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर अपडेट आई है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कब से कब तक होगी वो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पीटीटी की मेन वेबसाइट पर चलते हैं और आपको अभी तक मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर एजुकेशन से रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती है। और यहाँ पर बात करते हैं अभी यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में, कब से कब तक होगी, कैसे होगी वो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ और किसकी यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो मैंने वेबसाइट को जैसे ओपन कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर मेन वेबसाइट किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी और कहाँ पर आपको काउंसलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 2 ईयर की। तो यहाँ पर 2 ईयर पर क्लिक करेंगे तो 2 ईयर की बात करते हैं। आप पहले सबसे पहले 2 ईयर बीएड की बात करते हैं। इस पर जैसे क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद में देखते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हुई इसकी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं आया है अभी तक, 2 ईयर का नहीं आया है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए, तो 2 ईयर की नहीं, यहाँ पर 4 ईयर की यहाँ पर चेक करते हैं। 2 ईयर में तो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आपको 4 ईयर की बात करते हैं। तो दोस्तों, 4 ईयर पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में कुछ अपडेट यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो काउंसलिंग के बारे में है वो यहाँ पर पैनल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड आपने अगर पीटीटी एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर कर सकते हो। इसके साथ ही मैं शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हो काउंसलिंग स्टार्ट कब से है। यहाँ पर 7 से 16 तक आप यहाँ पर 5,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। इसकी फ़ीस जो काउंसलिंग फ़ीस होती है 5,000 रुपये, जो बाद में जाके आपको रिफंड भी हो जाएगा। अगर काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई या आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आपको 5,000 रुपये यहाँ पर वापस रिफंड हो जाएंगे। काउंसलिंग यहाँ पर देख सकते हो 7 से 16 यहाँ पर काउंसलिंग, 7 अक्टूबर से आप 16 अक्टूबर तक आप काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। साथ में अगर यहाँ पर कॉलेज चॉइस आप फिल कर सकते हो, यहाँ पर 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आप यहाँ पर कॉलेज चॉइस यहाँ पर फिल कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि कॉलेज चॉइस भी यहाँ पर फिल करनी होती है हमें। कॉलेज चॉइस फिल करने के बाद में काउंसलिंग यहाँ पर 17 अक्टूबर तक आपको कॉलेज चॉइस भी फिल कर देनी है, जिससे आपको काउंसलिंग में वो 20 अक्टूबर को आपके काउंसलिंग हो जाए, इसको कॉलेज आपको मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलेज आपको मिलेगी, फर्स्ट काउंसलिंग आपके यहाँ पर अलॉटमेंट कॉलेज होंगे। अलॉट कब होगी तो आपको फर्स्ट आपको 20 अक्टूबर को यहाँ पर अलॉट हो जाएगी फर्स्ट राउंड में। इसके बाद में दोस्तों जो भी है उसके बाद में आपको 20 अक्टूबर के बाद में आपको उसकी 22,000 रुपये का पेमेंट आपको फीस पेमेंट करना होगा। जैसे अगर आपका जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाता है या कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपको क्या करना होगा, 20 से 25 के मध्य में आपको 22,000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन। इसके बाद में आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है 20 से 26 अक्टूबर के मध्य में, वो जाके रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में। रिपोर्टिंग यानी वहाँ पर प्रजेंट होके आना है, डॉक्यूमेंट्स जमा करा के आना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर बाय द वे आपको यहाँ पर कॉलेज चेंज कराना है तो आपको 20 से 27 अक्टूबर का यहाँ पर टाइम दिया गया है। अगर कॉलेज अलॉट हुई है और आपको वो चाहिए कि मुझे चेंज कराना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। तो 20 से 27 में आप यहाँ पर ये ऑप्शन को भी आप फिल कर सकते हो, आप इसमें भाग ले सकते हो और फॉर्म लगा सकते हो चेंज कराना हो तो आपको कॉलेज। तो 20 से 27 इसमें आ चुके हैं। इसके बाद में जो कॉलेज आपको मिलेगी चेंज कराने वाली वो 29 अक्टूबर को आपको मिल जाएगी। ऐसे करके आपको फिर उसमें रिपोर्टिंग 29 से 31 का टाइम दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बी ए बी एड का ये ऑप्शन है। इसके साथ में अगर बी एस सी बी एड कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग नीचे ये ऑप्शन भी दिया गया है। दोनों का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करके आगे जाते हो तो कुछ इस तरीके का आपको पास में पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो लोडिंग यहाँ पर लिया जा रहा है। इस तरीके से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी रोल नंबर है आपका वो यहाँ पर देख डालना होगा। उसके बाद में रिजल्ट आया था उसके नीचे एक आईडी नंबर भी आपको देखने को मिलेगी रिजल्ट के पास में। तो आईडी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके साथ में आपका नाम, मदर्स नेम और जन्मतिथि यहाँ पर फिल करके और आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन ऑनलाइन ICICI बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करके लॉगिन कर देना होगा और आपको
आगे जाके पेमेंट कर देना होगा। सबसे पहले पेमेंट होगा और उसके बाद में ही कॉलेज डिटेल आपको फिल करनी होगी, कॉलेज लिस्ट आपको फिल करनी होगी। अगर आपको कॉलेज लिस्ट कैसे निकालते हैं तो दोस्तों उसके बारे में जानना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए फुल आपको कॉलेज बीएड की कॉलेज किस तरीके से निकालते हैं तो दोस्तों उसके बारे में, आपका कोर्स, आपका बीए बीएड की कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, बीएससी बीएड की में कितनी सीटें हैं, कितनी कॉलेज हैं, कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको फुल कॉलेज की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या करना होगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है जिससे मैं आपको यहाँ पर उससे पता चल जाए कि हाँ चाहिए आपको, तो वो वीडियो में आपको बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।